हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिसेंट्री के बारे में, जिसे हिंदी में पेचिस कहा जाता है। यह एक आंतों का इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से मल त्याग करते समय खून आने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेट फूलने की दिक्कत होने लगती है, कभी कभी तेज बुखार चढ़ जाता है, अचानक ठंड सी लगने लगती है, पेट के अंदर ऐंठन हो जाना, सूजन होना, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, वेट का कम हो जाना और थकावट होना, ये बहुत सारे लक्षण होते हैं जो कि पेचिस के लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एक शानदार तरीका जो कि पेचिस की बीमारी को दूर करने में मदद करेगा। आपको चाहिए 100 ग्राम इसबगोल की भूसी। इसमें आपको 50 ग्राम सौंफ और मिश्री को मिलाकर 2-3 चम्मच की मात्रा में दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करना है। यह पेचिस की बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर देता है। खूनी दस्त की समस्या को दूर करने के लिए यह सबसे अच्छा घरेलू उपाय है। चलिए मैं आपको एक और घरेलू उपाय बता देता हूँ। इसके लिए आपको चाहिए जामुन की छाल का चूर्ण। आपको जामुन की छाल का चूर्ण 2-5 ग्राम की मात्रा में लेना है। इसमें आपको 250 ग्राम गाय के दूध के साथ 2 चम्मच शहद को मिलाकर दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करना चाहिए। यह खून की बीमारी को पूरी तरह से खत्म करता है। यानी कि अगर आपको खूनी दस्त की दिक्कत है तो खूनी दस्त को रोकने में यह भी एक अच्छा उपाय है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं एक और घरेलू उपाय जो कि पेचिस की बीमारी को दूर करने में मदद करेगा। इसके लिए आपको चाहिए सौंठ 20 ग्राम और जीरा 10 ग्राम। इन दोनों को आपको अच्छे प्रकार से कूटकर इस्तेमाल करना है। इसको आप चाहे तो दिन में 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसका इस्तेमाल करते समय एक चीज का ध्यान रखना है, आपको 5 ग्राम सौंठ के चूर्ण को 2-3 जीरे ग्राम को मिलाकर आपको छाछ के साथ या दही के साथ इसका इस्तेमाल करना है। आप इसमें 1-2 चम्मच दही को मिलाकर इस्तेमाल करोगे तो खून आने की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है। खूनी दस्त में ये बहुत ही अच्छा उपाय होता है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इसलिए दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।